आज मैं आपको ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के ब्रीड के मुतालिक कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तो वीडियो की तरफ आते हैं। अगर आपने अपनी ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स से अच्छी ब्रीड लेनी है तो इन बातों पर आपने ख्याल रखना है। नंबर वन क्या है, नंबर वन बात यह है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स का केज नीचे जमीन पर है तो उसको इस तरह लगवा ले दीवार के साथ जिस तरह मैंने लगाए हुए इन दोनों केजों को साथ वो केज लिए इस तरह लगा ले। और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स एग्स दे दें तो उनको देखना नहीं है। बाद लोग इस तरह होते हैं कि उनके घर ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स एग्स दे देते हैं और डेली बेस में दो तीन मरतबा चेक करते हैं, नहीं चेक करना। तो ये देख सकते हैं हम मेरे ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के मेल और फीमेल अंदर मुटकी में, क्योंकि फीमेल एग्स दिए हुए हैं वो दोनों मेल और फीमेल अंदर मुटकी में, तो बेबीज भी अभी निकले हुए, दो तीन बेबीज भी निकले हुए, एग्स भी है। अभी तक मैंने इनको चेक नहीं किया और चेक करता भी नहीं। तो गाइस ये है कि आपने डेली बेस में दो तीन मरतबा अपने ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स के केज को साफ सुथरा रखना है। इसमें ये देख सकते हैं मैंने अपने ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स का केज साफ रखा हुआ है और साथ डेली बेस में दाना पानी को उनका दो तीन मरतबा चेंज करना है और नीमक वगैरह और समुद्री जाग वगैरह कैल्शियम वगैरह ये भी रख देना है, क्योंकि इनसे ये कैल्शियम इनमें से खत्म हो जाती है, कैल्शियम ठीक हो जाती है इनकी। तो इस वजह से गाइस ये इनके लिए जरूरी है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।